खाने पीने की चीज़ों में मिलावट अब आम बात हो गई है। दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसका हर घर में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता ज़रूर है। ऐसे में अक्सर लोगों में यह शिकायत बनी रहती है कि जिस दूध डेयरी से वे दूध लेकर आते हैं वहाँ मिलावट होती है, दूध में पानी मिलाकर बेचा जाता है। लेकिन लोग यह पता नहीं कर पाते हैं कि दूध में पानी कितना मिला है और शुद्ध दूध की पहचान क्या होती है। इसी का जवाब जानने के लिए हम खरगोन के एक दूध विक्रेता के दुकान पर आए हैं और यहाँ दूध मालिक देवेंद्र कुशवा से जानेंगे कि दूध में पानी मिला होने का पता कैसे लगाया जा सकता है, दूध की शुद्धता की पहचान क्या होती है। क्योंकि 20-25 वर्षों से देवेंद्र कुशवा दूध के व्यवसाय से जुड़े हैं, अपना डेयरी चलाते हैं और इनके यहाँ से कई लोग दूध लेकर के जाते हैं। वे खुद जब किसानों से दूध लेते हैं तो कुछ ऐसे साधन अपनाते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक अपनाते हैं जिससे वे खुद पता लगा पाते हैं कि किसानों ने दूध में पानी तो नहीं मिलाया है। उनके पास कुछ उपकरण है जो कुछ ही सेकंड में ये बता देता है कि पानी दूध में मिला है या नहीं, या दूध में किसी प्रकार का केमिकल तो नहीं मिला है, या दूध नकली तो नहीं है। तो चलिए देवेंद्र कुशवा से ही जानते हैं कि दूध की सही पहचान क्या होती है, दूध में पानी की मात्रा होने का पता आम व्यक्ति कैसे और किस तरह से लगा सकता है। मशीन में चेक करते हैं, पहले वाइब्रेट करता है, पूरे दूध को मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद में ये जो चल रही है प्रोसेस, उसके बाद में ये बंद होने के बाद में इधर अपन लगाएंगे, फैट की मात्रा, SNF की मात्रा, पानी की मात्रा सब कुछ बताएगा। ये इधर लाती मशीन को सर, ये फेटोमेटिक मशीन कहलाती है। इसमें सारी चीज़ें आ गई है, जैसे ये फेट है इसका 4.7 पॉइंट, 4.7, दूध के परिणाम सामने आ गए हैं, 4.7 पॉइंट है। SNF की मात्रा है इसमें 7.7, LR है इसमें 25। ये मतलब 200 ग्राम मावे का दूध है। मतलब पानी वाटर की मात्रा है 8%। अच्छा, 8% पानी मिला हुआ है इसमें। ये अगर फेट, अगर 6 फेट होता है तो 6 से ऊपर SNF भी होना चाहिए उसका, और 8 फेट होता है तो 8 से ऊपर उसका SNF भी होना चाहिए। जितना फेट उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में SNF होना चाहिए। SNF मतलब पाउडर की मात्रा बताता है, जो दूध के अंदर ही आता है, भैंस के दूध प्योर दूध के अंदर आता है वो बताना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बताए या कम बताए, कम बताएगा तो नकली दूध, और ज़्यादा बताएगा, अधिक मात्रा में बताएगा। फेट अगर 8 फेट है तो 8 से 2-3 पॉइंट ऊपर होना चाहिए SNF। अगर उससे अधिक बताता है तो वो गड़बड़े। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यह वह प्रक्रिया थी जिसमें फेटोमेटिक मशीन के जरिए मात्र 25 से 30 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि दूध में पानी मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो कितनी मात्रा में मिला है। लेकिन सामान्य तौर पर दूध में पानी मिले होने का पता हम कैसे लगाएंगे, चलिए देवेंद्र कुशवा से यह भी जान लेते हैं। पानी की पहचान ये है कि आपके बर्तन में भी दिख जाएगा कि मोटा है या पतला है, पन्नी में डालो उसमें दिख जाएगा। और रही बात ये कि दूध की पहचान नकली असली की पहचान कैसी होना चाहिए, नकली दूध की क्वालिटी यही है कि आप उसको पियोगे तो कड़वा लगेगा और कुछ देर बाद वो ख़राब हो जाएगा। आप एक बार गर्म करोगे, गर्म करते से भी आपको मालूम पड़ जाएगा, और वाइट कलर में भी उसका कॉम्बिनेशन रहेगा। प्योर दूध सफ़ेद वाइट एकदम आता है, और मिलावटी दूध में थोड़ा ना थोड़ा सा तो मिस्टेक कलर में आ ही गई। ऊपर गर्म करने के बाद में उसमें जो मलई आती है, थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं, उसमें मलई आती है। मलई किस प्रकार से आती है, पतली आती है, मोटी आती है, उस प्रकार से भी अपन चेक कर सकते हैं कि दूध में पानी मिला है। और मतलब कैसे, मतलब मोटी अगर होगी तो क्या, मोटी होगी तो, मोटी होगी तो प्योर दूध है, और पानी मिला हुआ दूध की पतली मलई आएगी, और अधिक ज़्यादा पानी मिला हुआ रहता है उसकी तो मलई आना मुश्किल है, संभव है। हाँ आएगी, बाकी थोड़ी मालूम भी नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगी। मावा 1 लीटर पे 200 ग्राम अगर 250 ग्राम मावा बैठता है और कम बैठता है तो समझ जाओ कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। 1 लीटर में 100 ग्राम मावा भी बैठता है पानी मिला हुआ दूध का, ओरिजिनल दूध का 250 ग्राम मावा बैठता है,
250 से 300 तक बैठता है प्योर मावा। स्वाद में परिवर्तन एकदम पतला सा लगेगा, पीने में लगेगा अपनों को मालूम पड़ जाएगा कि हल्का दूध है। मिठास कम हो जाएगी, मिठास कम हो जाएगी। जसवर दूध में 6 फीट से लगा के, भैंस से जो दूध निकाल के किसान लाता है, 6 फीट से लगा के 8 फीट तक का दूध आता है, 8.5 तक का भी आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूध पे तरल पदार्थ है, हाँ, उससे निकलता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें ऑटोमेटिक पानी मिला होता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो आएगा ना, बाकी वो मशीन नहीं बताई, मशीन तो नहीं, हाँ, मशीन भी नहीं आया। ऊपर से जो पानी मिला, हाँ, वो तो तुम थोड़ा सा भी डालोगे वो भी बता। तो जैसा कि आपने इस खबर में देखा, सुना और जाना कि किस तरीके से दूध में पानी मिला होने का पता हम घर पर ही लगा सकते हैं, चाहे वो मावा बनाने के रूप में इस्तेमाल करते समय मावा की क्वांटिटी कम होने पर दूध में पानी मिले होने का पता आसानी से चल जाता है। और भी ऐसे कई ट्रिक जो देवेन कुशवाहा ने हमें बताए हैं, जिनके जरिए आसानी से दूध में पानी मिले होने का पता हम घर पर ही लगा सकते हैं, साथ ही इस बात का पता भी हम स्वाद के अनुसार लगा सकते हैं कि दूध असली था या नकली था। ऐसी ही रोचक खबरें जानने के लिए बने रहें लोकल 18 के साथ। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।